माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मान सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं। खंड एक विभागीय पोर्टल के अनुसार उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय बीकानेर में दिनांक 12/2/2023 को 34,972 शिक्षित बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। जिला बीकानेर में शिक्षित बेरोजगारों का विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। बीकानेर पूर्व पश्चिम 12,080, खाजूवाड़ा 3372, कोलायत 2998, लूणकंडसर 5413, नोखा 5892, श्री डूंगरगढ़ 5217, कुल 34,972। खंड दो विधानसभा क्षेत्र लूणकंडसर में 737 आवेदनकर्ता बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, जिनमें 224 महिला एवं 513 पुरुष लाभार्थी हैं तथा 158 पत्र आवेदन जांच उपरांत योजनांतर्गत एक समय में 2,00,000 आशार्थियों को लाभान्वित की सीमा निर्धारण होने के कारण लंबित हैं, जिनमें 54 महिलाएं 104 पुरुष आशार्थी हैं। जांच हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूँगा, क्या सरकार RSLDC ट्रेनिंग सेंटर जो वर्तमान में सिर्फ जिला मुख्यालय पर हैं उनको ब्लॉक मुख्यालय पर खोलने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक व नहीं तो क्यों? और दूसरा प्रश्न, क्या सरकार जो बेरोजगारी भत्ता 4 से 4,500 इंटर्नशिप राशि में दी जा रही है 4 घंटे कार्य के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि योजनाओं के कारण गांव में मजदूर भी 1,000 रुपये में मिल रहे हैं, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का विचार रखते हुए ऐसे बेरोजगार जिन्होंने इंटर्नशिप करी है उनको सरकारी नौकरियों में 5 से 10% आरक्षण करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक व नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सवाल माननीय विधायक जी ने पूछा। पहला कि RSLDC के ब्लॉक स्तर पर कब तक सेंटर्स खुल जाएंगे। RSLDC की एक प्रक्रिया है कि ट्रेनिंग पार्टनर अप्लाई करते हैं, हमारी योजनाएं तय हैं, उन योजनाओं के अंदर ट्रेनिंग पार्टनर्स अप्लाई करते हैं कि हमको फलाने फलाने जिले फलाने फलाने ब्लॉक के अंदर सेंटर्स एस्टेब्लिश करने हैं। हम उनकी EOI जारी करके उनको सेंटर्स की परमिशन दे देते हैं। तो जो भी किसी भी ब्लॉक पर हमारी EOI इस महीने वापस अगले 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए EOI जल्दी जारी होने वाली है, उसमें जो ब्लॉक के लिए किसी भी ब्लॉक के लिए कोई अप्लाई करेगा उनको सबको हर ब्लॉक के ऊपर जहां भी अप्लाई होगा वहां पर हम सेंटर्स चालू करेंगे। पहला जवाब। दूसरा, आपने कहा कि जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं और इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, उस इंटर्नशिप के बाद में क्या सरकारी इसमें जॉब्स के अंदर उनको कोई प्रायोरिटी मिलेगी? अभी तक ऐसा कोई योजना प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि वो तो सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें वो अपीयर करें और उनके लिए खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़त की बात की, उसमें प्लीज अगला प्रश्न श्रीमती